छोटी आलू कट गए? हाँ ठीक है। ना 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 हिम्मत रख शनो, हिम्मत रख यार। किसी ने डॉक्टर को फोन किया? बिना डॉक्टर के क्या अपने आप ठीक हो जाना है इन्होंने? मैं ही करता हूं डॉक्टर को फोन। क्यों? पेट से है, बीमार थोड़ी ना, तो थोड़ी देर आराम करेगी, ठीक हो जाएगी, ऐसा होता रहता है। चाची जी आप फिक्र मत कीजिए, दर्द भी ठीक हो जाएगा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। बनाया जा रहा है, एक ग्लास मेरे लिए भी बना दो। क्यों जी, पैर का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो किसी बड़े डॉक्टर को अब दिखाना पड़ेगा, और आप ऐसी लापरवाही क्यों करते हैं? आपने पैर तो मैं सिर्फ दूसरों का दर्द नजर आता है, नहीं तुम्हारे हिसाब से तो मैं पत्थर का बना, है ना? प्लीज जाने दीजिए, चाची का दर्द बढ़ रहा होगा। चाची जी ये लीजिए, पी लीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा आपका, पी लीजिए चाची जी। टेबल नहीं है, ये मजबूरी में एक किन्नर के हाथ का खा पी लूं। ये मेरी कोक है, तेरे हाथ का तो पानी भी मैं इस बच्चे तक नहीं पहुंचने दूंगी सौम्या। बोलने से पहले 2 बार सोच लिया कर चाची, किन्नर से पहले वो मेरी वोटी है। ओए हरमन, बात ये ना ठीक ही कह रही है, होगी तेरी वोटी पर बाकी सब करवा लोगी ना, किन्नर ही है ये। अब तुझे बुरा लग रहा है तो फिर बुलवाएगा या मेरी अर्थी उठवानी है सपने? बस कर यार, हिम्मत कर तू। अर्थी ना उठे इसलिए कह रहा हूं, काढ़ा पी लो। तो मैं हेलो डॉक्टर जी, अब चाची जी की बहुत तबीयत खराब हो चुकी है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। क्यों बोला? जब काढ़ा पिलाया जा रहा है तो पीना नहीं, होने दो दर्द, जब अकल ठिकाने आएगी तो अपने आप काढ़ा पिएगी। नहीं हरमन जी, ऐसा नहीं बोलते हैं, चाची जी कुछ गलत नहीं कह रही हैं। आखिर तुम तो मैं एक किन्नर ही ना,
और जरूरी नहीं है कि घर में हर कोई मुझसे उतना ही प्यार करे। माता रानी प्लीज मेरी मम्मी को अच्छा कर दो, प्लीज प्लीज उन्हें इस बार बेटा ही देना, वरना ताई जी उन्हें बहुत गुस्सा करेंगी और उन्हें रोज डांटेंगी। माता रानी सब ठीक कर लेंगी और अच्छे बच्चे ना रोते नहीं। मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, अभी आराम हो जाएगा। आप इन्हें कोई भारी काम मत करने दीजिएगा। एले, वो मैं कौन सा इसे खेतों में हल चलवाती हूँ या कुएं से पानी भरवाती हूँ? कोई काम नहीं करती है जी। हाँ, ऐ अलग बात है कि इसे बड़ी चुल काटती रहती, सबकी फिक्र करनी होती है, बेकारी में अपने दिमाग पर बोझ बढ़ाती है ना शन्नो? अब आराम कर। देखिए, आप कोई टेंशन मत लीजिए, इस हालत में टेंशन लेना ठीक नहीं है, आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे इसका दिमाग दुरुस्त रहे। देखिए, मैं प्रेगनेंसी में ज्यादा दवाइयाँ तो नहीं लिखती, वैसे घर के नुस्खे ज्यादा बेटर होते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो इन्हें जब भी दर्द हो आप इन्हें गर्म काढ़ा पिलाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर, दी ने काढ़ा तो पहले ही बना दिया था, वो तो चाची जी जिद कर रही थी कि मुझे नहीं पीना है, तो आप ही पिला दीजिए। चलिए, ये क्या बात हुई, लीजिए काढ़ा पीजिए, इसे दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, लीजिए। पीला पीला है वीरन दी बोटिए, पीला पीला है, साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक हो जाएंगी, पीला पीला पी लो चाची, इससे पहले कि गंगा जल पिलाना पड़ जाए काढ़ा पी लो। पीना यार, अरे आप ये मेरा कंबल और तकिया कहाँ लेकर जा रहे हैं जी? तुम्हारा तकिया और कंबल लेकर भाग नहीं रहा हूँ, मैं यही सोऊंगा, तुम दूसरा तकिया कंबल कबर्ड से निकालो। नहीं नहीं जी, आप यहाँ क्यों सोएंगे, प्लीज आप अपने कमरे में जाइए ना। क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकता? क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार मुझे भगा क्यों देती हो? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही सोऊंगा। नहीं, आप यहाँ नहीं सोएंगे, आप प्लीज अपने कमरे में जाइए, और आपको मेरी कसम है, प्लीज। फिर से कसम, ये तुम पागल वागल हो क्या, हर बात पे कसम क्यों देने लग जाती हो? तो क्या करूं जी, आप सिद्धि ऐसी करते हैं। ऐसा क्या मांग लिया मैंने तुमसे? सिर्फ तुम्हारा साथ मांगा, तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ, तुमसे दो बातें करना चाहता हूँ, पर तुम्हें तो पता नहीं कौन से कांटे नजर आते हैं मुझे। सोमती, मैं बिछा लूंगी जी इसे। दी, वो मेरा फोन यहाँ रह गया है क्या? हाँ, ये ले। देखो, यहीं भूल गई थी,
और पूरे घर में ढूंढ रही थी। थैंक यू। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। जी वो अपना फोन लेने गई थी दी के कमरे से, वहीं रह गया था। तो मैं तुम्हारी दी की तरह भोला नहीं हूँ, दिख रहा है मुझे तुम्हारा क्या चल रहा है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि जासूसी कर रही, इस घर में आ गई, अब क्या सौम्या और मेरे बीच आना चाहती हूँ। हरमन जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो बस फोन लेने गई थी। नशे में नहीं हूँ मैं, अभी पीना शुरू किया, दिख रहा है मुझे अच्छे से क्या चल रहा है, कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। सही जगह चुनी है तुमने अपने लिए, इसी के लायक होता। उठो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। अभी नहीं सोऊंगा मैं, अभी और पीना है मुझे, बेहोश होना है, ये भुलाना है कि कैसे मेरी जिंदगी मेरे हाथ से निकलती जा रही है, मेरा चैन, मेरा सुकून, यही गुलाब वो है, पूरी दुनिया तो दुनिया, अब तो उसकी बहन भी हमारे प्यार की दुश्मन बन बैठी है। जाओ बाहर जाके सो जाओ, और कोई पूछे तो बता दे कि बाहर क्यों सो रही। जाओ इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे सौम्या से मिलना, बहुत जरूरी काम। सौम्या भाभी से? और तुम हो कौन? मेरा नाम करीना है।
किन्नरों की बस्ती से आई हूँ। सोनिया हमारे साथ हमारे दुनिया में रहती थी। सही मौका मिला है वरुण, आज तो फैला दे रायता। सौम्या भाभी देखिए ना आपसे कौन मिलने आया है। आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद जाके मिल लूंगी। नहीं आप ढूंढ नहीं पाएंगी, क्या है ना सौम्या भाभी के यहाँ पे दो कमरे हैं, तो पता नहीं किस कमरे में हो, मैं अभी बुला देता हूँ। सौम्या भाभी, भाभी ओए करीना दीदी। सौम्या मुझे तेरी मदद चाहिए। आप दीदी आप यहाँ क्या, सब ठीक तो है ना? इस दुनिया में आके हमें भूली तो नहीं ना? बोल करेगी ना मेरी मदद? तू भी मेरी तरह एक किन्नर है, आज मुझे तेरी बहुत जरूरत है। तो सब तू ही मेरे लिए कुछ कर सकती है। आप उठिए ना प्लीज, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। अरे प्लीज रोना बंद कीजिए प्लीज। सौम्या इसे कह के यहाँ से चली जाए, वरना मैं धक्के देकर इसे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। मम्मी जी प्लीज। मैं चली जाऊंगी। सौम्या मुझे तेरी मदद चाहिए, मेरी माँ बीमार है, सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रही हूँ, फिर थोड़ा वक्त लगेगा। कितना तमाशा लगाया यार? हाँ? ओए ये हरक सिंह का कारा है, किन्नरों का हेड ऑफिस नहीं है ये? आ जाते मुंह उठाए, मदद करो, मेरी मदद करो। नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप लोगों का नाम रुतबा बहुत बड़ा है, एक फोन कर देंगे तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा। मेरी माँ की जान बच जाएगी। तेरे माँ बाप ने तुझे नहीं अपनाया, इसलिए किन्नरों की बस्ती में किन्नरों के साथ रहती है ना तू? उन्हें अपनी इज्जत इतनी प्यारी है, हम तेरी मदद करके अपनी इज्जत में पट्टा क्यों लगाए? सोमिया ज्यादा समय नहीं है, तू अपने सास ससुर से बात करना, माँ को ऑपरेशन जल्द करवाना बहुत जरूरी है। मम्मी जी इसकी मदद कर दीजिए ना, बेचारे की माँ बीमार है, आपको एक फोन ही तो करना है। तुझे मेरे घर में आए हुए कितने दिन हुए, तू अभी से हमारे बीच बोलने लगती? अपने काम से काम रख। सौम्या इसको कह अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा, तुझे यहाँ रहने की इजाजत दी है, इसके ये मायने नहीं होते कि सारे शहर की किन्नर जो है हमारे घर में आ जाए इधर। पाओ जी मैनू नहीं लगता है सौम्या रानी से हो पाएगा, अब हमें ही कुछ करना होगा। रावी हाथ छोड़ उसका।